साइंस अपने स्टडी के जरिए से अभी भी वो ढूंढ ढाड़ कर रही है कि और भी ग्रह हैं जिसमें हो सकता है कि उसमें जीवित प्राणी अभी भी हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं वहाँ, जैसे कहानियाँ सुनने को मिलता है कि वहाँ एलियन लोग हैं, जो विदेशी प्राणी, विदेशी प्राणी मतलब किसी और ग्रह में रहते हैं जो हमारी तरह नहीं है, कुछ और तरह है, लेकिन वो परमेश्वर की सृष्टि है। हमारी सांसारिक ज्ञान और बुद्धि अद्भुत है। बाइबल बताती है परमेश्वर का लहू हमारे गुनाहों को धोता है, परमेश्वर का लहू हमारे हमें पाप क्षमा करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। परमेश्वर के सांसारिक ज्ञान से अलग, सांसारिक ज्ञान से काफ़ी परे अद्भुत है। हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो हमें हमारे गुनाहों का माफ करता है। परमेश्वर का लहू हमारे पापों को धोता है। परमेश्वर का राज और साम्राज्य, उसके व्यवस्था और कानून अद्भुत है। वो हमारा राजा है, वो हमारा सम्राट है, उसकी सारी साम्राज्य उसके उसने बनाया, सृष्टि किया, वो फिर से दोबारा आने वाला है। वो हमारा राजा है। हम इस बात को याद रखें कि वो हमारा राजा है, वो हमारा साम्राज्य है और वो हमारा सृष्टि करता है। उसके अंडर में, उसके कंट्रोल में सारी कायनात, सारी व्यवस्था, सारी ब्रह्मांड और हम सब उसके कंट्रोल में हैं। हमारा जीवन उसके कंट्रोल में है। हम उस राजा के रूप में हम उसको देखें कि बाइबल बार बार बताती है कि वो हमारा सम्राट और वो हमारा राजा है। परमेश्वर इस वचन पर अधिकाई से आशीष दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, तू हमारा राजा है, तू हमारा सम्राट है। हम तेरी व्यवस्था में के अंडर हैं प्रभु जी। तू हमें, हम जानते हैं तू हमें प्यार करता है। हमें तेरे राज और तेरी व्यवस्था और कानून से हमें वंचित ना कर, पर हम तुझमें बने रहें और तेरी उपासना करते रहें। जैसा तू इस दिन को जो तूने आशीष दी और हमें यहाँ उपस्थित किया, इसी प्रकार हम जब तक इस दुनिया में जीते हैं हम तो उसमें बने रहें और तेरी उपासना करते रहें, तेरे कानून और व्यवस्था के साथ चलते रहें। और जब तू आएगा प्रभु जी, उस स्वर्ग राज में हम फिर से प्रवेश होकर तेरी उपासना कर सकेंगे और उस अद्भुत नज़ारा को जो अब तक हमारी आँखों के सामने धुंधला है, साफ साफ दिख सकें और तेरी स्तुति महिमा कर ले सकें। क्या ही आनंद और महिमा की बात होगी प्रभु जी, हमें उसमें तू शामिल कर। गुनाह गलती को माफ करो। जब तक इस दुनिया में जीते हैं हम सब कुछ मांगेगा। इस महान आशीष के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने यह सब कुछ मांगा है तेरे बेटे यीशु के नाम में। आमीन। भाई मेरे उसको धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे जिस गीत से हम लोग अभी गा रहे हैं किताब से, वो है 54 नंबर का। और हमारे पास ये जो शायद आप लोग के पास होगा एडवेंटिस्ट गीत संग्रह, ये पूर्वी झारखंड में छपी हुई है और हमारे पास यहाँ पर 4-5 है चर्च के नाम से। और हम लोग अब सोच रहे हैं कि ये जो स्वर्गीय संगीत और यहाँ पर एडवेंटिस्ट गीत संग्रह, और इससे पहले हम लोग गाते थे तो कुछ गीतों को भी इससे हम लोग गाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए मंगा दिया जाएगा ये एडवेंटिस्ट गीत संग्रह।
तो सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 54 नंबर का ये स्वर्गीय संगीत से है, और इसमें एडवेंटिस्ट गीत संग्रह में है 150 आवाज़ उठाएंगे हम साज बनाएंगे, ये है तो 54 नंबर का हम लोग गाएंगे। ये स्वर्गीय संगीत का जो किताब है उससे हम लोग गाएंगे 54 नंबर का। खड़े हो जाएंगे सबके। आवाज उठाएंगे हम साज बनाएंगे, ये यीशु महाया सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज या हुआ पिता परमेश्वर, इसी तरह तू हमारी आवाज़ को बुलंद कर कि हम हृदय के साथ
साज और आवाज के साथ तेरे महानता की प्रशंसा स्तुति करते रहे और हम आनंदित होते रहे, बाकी जीवन के तेरे हाथ को सुन देते हैं। तुझे बने रहे और तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहे, तेरे गीत और भजन गाते रहे, ऐसे आवाज़ हमारी बुलंद रहे और हम तेरे नाम को ऊंचा करते हुए और उन तक पहुँचा जा सके, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम। आमीन।